वेलकम टू स्टडी जोन। आज है 4 अगस्त 2018। इस वीडियो में मैं आपसे 4 अगस्त 2018 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस शख्सियत को गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले फील्ड मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा अक्षय वेंकटेश को। फील्ड मेडल पुरस्कार हर 4 साल में 40 से कम उम्र के गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन को दिया जाता है। इस साल अक्षय के अलावा यह पुरस्कार 3 अन्य लोगों को भी मिला है और गणित के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। और ये 3 अन्य लोग जिन्हें यह पुरस्कार मिला है, ये हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ईरानी कुर्द मूल के प्रोफेसर कौशर बिर्रन, बोन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले जर्मनी के पीटर सोल्ज और स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट के गणितज्ञ एलिसियो फिगाली। इसमें आपके नेक्स्ट ऑप्शन है भरत वटवानी और सोनम वांगचुक। भरत वटवानी और सोनम वांगचुक को हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चंस भी आपको रिवाइज करते रहने ताकि आप इन्हें एग्जाम टाइम तक भूलो नहीं। आप बार बार जब भी इनका नाम आता है, कई भी मेडल्स का नाम आता है, तो आपको सभी पुरस्कार बार बार रिवाइज करते रहना है। भरत वटवानी मानसिक रोग चिकित्सक हैं, जो मानसिक रूप से बीमार बेसहारा व्यक्तियों के लिए काम करते हैं, और वांगचुक की आर्थिक प्रगति के लिए विज्ञान और संस्कृति का इस्तेमाल करने की पहल ने लद्दाखी युवकों के जीवन में सुधार किया है, इसलिए इन दोनों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट ऑप्शन है मंजुल भार्गव। मंजुल भार्गव भारतीय मूल की है, जिन्होंने जिन्हें पिछली बार फील्ड मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आता है फील्ड मेडल पुरस्कार। फील्ड मेडल पुरस्कार का नाम कनाडा के गणितज्ञ जॉन चार्ल्स फील्ड के नाम पर रखा गया है। और फील्ड मेडल इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में 40 से कम उम्र के 2, 3 या 4 गणितज्ञों को दिया जाता है और यह हर 4 साल में एक बार दिया जाता है। फील्ड मेडल को गणितज्ञ का उच्चतम सम्मान माना जाता है और इसे गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और पहली बार यह मेडल फिनिश गणितज्ञ लॉर्स एहलोफोर्स और अमेरिकी गणितज्ञ जेसी डगलस को 1936 में दिया गया था और इसे 1950 से हर 4 साल में दिया जाता है। और 2014 में मरियम मिर्जा खानी फील्ड मेडल पदक जीतने वाली पहली ईरानी और पहली महिला बनी थी। तो आपका क्वेश्चन आए कि फील्ड मेडल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी, तो आपका आंसर होगा मरियम मिर्जा खानी और यह ईरान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 3 देशों के दौरे पर हैं, ये 3 देश कौन से हैं? तो इसमें आंसर आएगा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2 से 5 अगस्त को कजाकिस्तान किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान देशों की यात्रा पर हैं। और इस 4 दिवसीय यात्रा का मकसद इस क्षेत्र में भारत की पहुंच को बढ़ाना है और विदेश मंत्री के रूप में उनकी यह पहली यात्रा है। इसमें आपका एक पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, रवांडा युगांडा और दक्षिण अफ्रीका, इन 3 देशों के दौरे पर हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री गए थे और दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में भी शामिल हुए थे। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका में। अगर कोई भी कंट्री का नाम आता है तो उसकी मैप पर क्या पोजीशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे कजाकिस्तान यूरेशिया में स्थित एक देश है और कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना और इसकी मुद्रा है तेंगे। और किर्गिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक देश है और उज्बेकिस्तान भी मध्य एशिया में स्थित है और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और इसकी मुद्रा है सोम। और नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और इसकी मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम। आपने पढ़ा ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान 1991 से पहले रूसी साम्राज्य या सोवियत संघ का सदस्य था और इसने 1991 में सोवियत संघ से आजादी हासिल की थी। और ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ एक शांति समझौता था और इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे
और अपने झगड़ों को शांतिपूर्वक ढंग से तय करेंगे। एग्जाम्स में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ताश्कंद समझौता भारत के किस प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री के बीच में हुआ? तो ताश्कंद समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में हुआ था, और यह ताश्कंद उस समय रूस में स्थित था उसमें हुआ था, और आजकल ताश्कंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और इस समझौते के बाद 11 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की दुखद मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लड़ाकू विमान ने विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर डेक लैंडिंग के परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया? तो इसमें आंसर आएगा स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान तेजस ने। और तेजस ने INS विक्रमादित्य पर डेक लैंडिंग परीक्षण के दौरान डेक से संपर्क बनाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और इस सफल अभ्यास के बाद भारत डेक लैंडिंग कराने वाले दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन की श्रेणी में शामिल हो गया। नेक्स्ट आता है कि आखिर डेक लैंडिंग है क्या? डेक लैंडिंग में विमान के पिछले हिस्से में एक हुक बंधा होता है जो विमान वाहक पोत पर उतरने के दौरान डेक पर बंधे तार में अटककर विमान की गति को चंद सेकंड में धीमा कर उसे रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक को कहां से मंजूरी दी गई है? तो इसमें आंसर आएगा लोकसभा से। OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की दशकों पुरानी मांग को लोकसभा से पास कर दिया गया है। अब OBC कमीशन का बिल राज्यसभा में जाएगा, और यहां से पास होने के बाद OBC कमीशन की शक्तियां भी बढ़ जाएंगी और इसका फायदा सीधे तौर पर पिछड़े वर्ग को मिल पाएगा। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है थावर चंद गहलोत। और कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि SC ST के हितों के संरक्षण से जुड़े SC ST अत्याचार निरोधक विधेयक को भी हाल ही में मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादियों के नाम विशेष वैश्विक आतंकी सूची में डालने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा अमेरिका ने। और लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादियों को अब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी का दर्जा दिया जाएगा। अमेरिका द्वारा नामित लश्कर ए तैयबा के यह तीनों आतंकवादी 2008 के मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार हैं। इस घोषणा से आतंकवादी समूह का वित्तीय नेटवर्क बंद हो जाएगा और यह आतंकवादी हमलों के लिए धन भी नहीं जुटा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली 1 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसमें आंसर आएगा आईफोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एप्पल दुनिया की पहली 1 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है। अप्रैल से जून तिमाही के नतीजे आने के बाद कंपनी के शेयर 2.8% चढ़कर 207.05 डॉलर पहुंच गए हैं, और एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स ने 1976 में इसकी शुरुआत की थी, और 2011 में स्टीव जॉब्स का निधन हो गया था, और उसके निधन के बाद टिम कुक कंपनी के मुखिया हैं। और अगर आपसे पूछा जाए सेकंड नंबर पर कौन सी कंपनी है, तो सेकंड नंबर पर है अमेजन, जिसका मार्केट कैप है 869 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति एमसर्न मनांगवा को राष्ट्रपति चुनाव में फिर से जीत मिली है? तो इसमें आंसर आएगा एमसर्न मनांगवा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, जिम्बाब्वे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है और यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में स्थित है, और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं एमसर्न मनांगवा, और इसकी राजधानी है हरारे, और इसकी मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा भोज योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो इसमें आंसर आएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, और इसमें कुल 325 करोड़ रुपए की लागत से यह योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत भोजन, प्रसाद, लंगर या भंडारे के लिए कच्ची सामग्री की खरीदारी पर केंद्रीय वस्तु और सेवा कर यानी CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एकीकृत वस्तु और सेवा कर यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का केंद्र सरकार का हिस्सा लौटा दिया जाएगा, ताकि लोगों को बगैर किसी भेदभाव के निःशुल्क भोजन, प्रसाद या लंगर
भंडारा प्रदान करने वाले परोपकारी धार्मिक संस्थानों का वित्तीय बोझ कम किया जा सके। और इसके लिए कंडीशंस है कि जो भी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजाघर, धार्मिक आश्रम, दरगाह, मठ, जो भी परोपकारी धार्मिक संस्थान है, वो कम से कम 5 वर्षों तक यह कार्य करते हों और 1 महीने में कम से कम 5,000 लोगों को निःशुल्क भोजन प्रदान करते हो, उन्हीं के लिए यह कंडीशन अप्लाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र ने हाल ही में पेयजल की कमी वाले इलाकों में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसमें आंसर आएगा 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी प्रदान की गई है। इस पेयजल पानी प्रस्ताव के अंतर्गत कोंकण, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर और पुणे जैसे इलाकों को बहुत ही फायदा होगा। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, महाराष्ट्र भारत के दक्षिण मध्य में स्थित एक राज्य है और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर है चेन्नामनेनी विद्यासागर राव और महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय मुंबई या बम्बई उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोमो रिबा स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान किस राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है? तो इसमें आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य का और इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है और अरुणाचल का मतलब होता है उगते सूर्य का पर्वत और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और यहाँ की राजधानी है ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य और यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? तो इसमें आंसर आएगा मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ भारत भारती, साकेत, यशोधरा, कुणाल गीत, जयदर्थवत, द्वापर, पंचवटी, जय भारत और हर वर्ष इसे कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर 3 अगस्त नहीं होगा क्योंकि ये विश्व कविता दिवस है, ये 21 मार्च को मनाया जाता है और वर्ष 1999 में पेरिस में हुए यूनेस्को के 30वें अधिवेशन में 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ 5250 करोड़ रुपए के वित्तीय और तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा भारत और जर्मनी के बीच में यह समझौता हुआ है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और जर्मनी की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून 500 में कितनी भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? तो इसमें आंसर आएगा इस लिस्ट में 7 भारतीय कंपनियों को जगह मिली है और इसमें 137वें स्थान के साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारतीय कंपनियों में सबसे ऊपर है और इसके बाद मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का नंबर आता है और उसके बाद ONGC, SBI, टाटा मोटर्स, भारत पेट्रोलियम और राजेश एक्सपोर्ट्स की कंपनियां शामिल है और इस सूची में सबसे पहले स्थान पर है वॉलमार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा नेस्तम योजना लॉन्च की है? तो इसमें आंसर आएगा मुख्यमंत्री युवा नेस्तम योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है और इस योजना के तहत राज्य के युवकों यानी राज्य के बेरोजगार युवकों जिनके पास नौकरी नहीं है उनको 1,000 रुपये बेरोजगारी पेंशन दी जाएगी और साथ ही यह प्लेटफॉर्म कौशल विकास से भी जुड़ा रहेगा और 22 साल से 35 साल के बीच के बेरोजगार युवक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे और पेंशन की रकम लोगों के खाते में ई ट्रांसफर यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए पहुंचेगी। जैसा कि आप पिक्चर में आंध्र प्रदेश राज्य को हाईलाइट किया हुआ देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री है श्री नारा
चंद्रबाबू नायडू जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, और आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं श्री इकाडू श्रीनिवास लक्ष्मी नरसिंहन। फरवरी 2014 में भारतीय संसद से तेलंगाना राज्य को अलग होने की मंजूरी दे दी गई थी, और तेलंगाना राज्य में 10 जिले और आंध्र प्रदेश राज्य में 13 जिले शामिल हैं, और आंध्र प्रदेश की तत्कालीन राजधानी हैदराबाद जो फरवरी 2024 तक रहेगी। फरवरी 2024 तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य की राजधानी रहेगी, और 10 सालों के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपनी पहली व्यापार एवं निर्यात नीति को मंजूरी दे दी है? तो इसमें आंसर आएगा जम्मू कश्मीर सरकार ने, और इस नीति का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को निर्यात आधारित प्रतिस्पर्धी इकाई बनाना है। यह नीति 10 वर्ष या फिर नई व्यापार एवं निर्यात नीति के घोषित होने तक वैध रहेगी। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है, और जम्मू कश्मीर में फिलहाल राज्यपाल शासन लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के रिजाइन देने के बाद जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा है, और जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल है NN वोरा। देश के अन्य सभी राज्यों में राजनीतिक दलों के सरकार नहीं बना पाने या राज्य सरकारों के विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन नहीं बल्कि राज्यपाल शासन लगाया जाता है। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत राज्य में 6 महीने के लिए राज्यपाल शासन लागू किया जाता है, हालांकि देश के राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। भारत के संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, और यह विशेष दर्जा आर्टिकल 370 के अंतर्गत दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। और जम्मू कश्मीर देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास अपना खुद का संविधान और अधिनियम है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य के पास अपना खुद का संविधान है, तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर राज्य के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI ने पूर्वोत्तर राज्य की रणजी ट्रॉफी में डेब्यू का सारा खर्च वहन करने की घोषणा की है, इसमें कौन से राज्य की टीम शामिल है? आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उपरोक्त दोनों और मणिपुर। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी इसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दोनों राज्य की टीम में शामिल है। कई बार आपसे पेपर में BCCI की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो BCCI के फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, और BCCI का गठन 1928 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI बैंक किसे अब तक का सबसे बड़ा असुरक्षित यानी बिना गारंटी का 25,000 करोड़ रुपए का लोन देगा? तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन ए, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, और यह 10 साल के लिए यह कर्ज दिया जाएगा। शुरू के 3 साल में कर्ज का भुगतान भी नहीं करना होगा, और किसी भी संस्था द्वारा एक बार में NHAI को मंजूर यह अब तक का सबसे बड़ा कर्ज है। और आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सड़क और परिवहन मंत्री कौन है, तो आपका आंसर आएगा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म जगत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किसे सलाका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा जावेद अख्तर को। अगर आपका क्वेश्चन है कि सलाका पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपका आंसर होगा सलाका पुरस्कार हिंदी अकादमी की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, और इसके अंतर्गत उन्हें 5 लाख रुपये प्रस्तुति पत्र, ताम्र पत्र और शॉल से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निजी क्षेत्र का बैंक 2 अगस्त 2018 को यस बैंक को पछाड़कर बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश का 7वां सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है? तो इसमें आंसर आएगा बंधन बैंक, और बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है, और इसके CEO है चंद्रशेखर घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री इमरान खान ने निम्नलिखित में से भारत के किस राजनेता को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया है? तो इसमें आंसर आएगा नवजोत सिंह सिद्धू को।
और इसके अलावा उन्होंने पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को भी शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के एम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति पर कोलेजियम की सिफारिश एक बार ठुकराने के बाद मंजूर कर ली है? तो इसमें आंसर आएगा उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक ढांचे में सुधार के लिए किस प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा कोर्ट मैनेजर के लिए। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, किस देश में भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का समेत पूरा चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर पाबंदी का कानून 1 अगस्त 2018 से लागू हो गया? आपके ऑप्शन है फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी और स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट इतिहास में 1000 टेस्ट मैच खेलने वाली पहली टीम कौन सी बन गई है? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। और आपको ये भी बताना है कि दूसरे नंबर पर कौन सी टीम है जिसने सर्वाधिक टेस्ट मैच खेले हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें। और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।